ओके गाइस, सो मेरे को अपना यूएस वीजा एक मिनट के अंदर ही मिल गया था। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आप लोग को आइडिया लगे मुझे एक मिनट में वीजा मिला कैसे, उसने मुझसे क्या पूछा, मैंने क्या बोला, सारा कुछ आप लोग को पता लग जाएगा। प्लस डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाना है वो भी बताऊंगा। सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड फॉर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ओके गाइस, सो आज हमारा यूएस वीजा इंटरव्यू अभी 9 बजे के आसपास है, अभी हो रहे हैं 6:30। सो बस में जा रहा है इसलिए जल्दी निकला हूँ। एंड टोरंटो डाउनटाउन में कहीं पे है, डाउनटाउन में नहीं उससे भी वो साइड पे कहीं पे है। सो सारा कुछ आपको आइडिया लगेगा कहाँ जा रहा हूँ, कैसे है, क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पूरा वीडियो देखना आप लोगों को, पूरा यूएस वीजा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस दूंगा। सो ज्यादा देर नहीं करते वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। समर्स में क्या होता था गाइस, अभी तक सुबह हो जाती थी, अभी 6:30 हो रहे हैं और 6:30 तक आपको पूरी सन वन दिख जाएगा हर जगह पे। बट अभी ड्यू टू विंटर अभी आएंगे कुछ टाइम के अंदर, कुछ महीनों के अंदर अंदर। सो एक तरीके से कहने जाओ तो विंटर थोड़ा बहुत तो शुरू हो ही गया है। सो इसीलिए थोड़ा सा ना आपको लेट सुबह होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, तो इस तरीके का होता है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं मारा है, विंटर में क्या होता था नंबर मारे होते थे और सब होता था, यहाँ पे कुछ है नहीं, खाली एक इस तरीके का अगर आगे मार रखा है कि बस स्टैंड करके यहाँ पे आगे है, तो ट्रांजिट बस करके लिखा होगा यहाँ पे। सो यहीं पे आपको करना होता है, यहीं पे आती है और हम लोग अभी 36A बस का वेट कर रहे हैं। सो आएगी उसके बाद हम चलते हैं। ओके भाई, बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो मेट्रो के वहाँ पे आया था और नंबर अलग मारा हुआ है, ट्रेन को अलग गई, बट उसने मेरे को बोला वो बंदे ने कि यहाँ से जो भी जाती है उस वाले में बैठ जाना, तेरे को डायरेक्टली जहाँ जाना है वहाँ वाला नहीं आप लोगों को। सो यूएस एम्बेसी जो है वो साइड पे है एंड मैं यहाँ पे ये साइड पे आया था आप लोगों को ना CN टावर दिखाने के लिए, दिख सकते हैं यहाँ पे आपको। सो अभी थोड़ा टूर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग को ज़्यादातर चाइनीज और कैनेडियन देखने मिलेंगे, मतलब दूसरे जगहों के लोग देखने मिलेंगे, इंडियंस यहाँ पे बहुत कम रहते हैं। बिकॉज अगर आपको पता ना हो तो यहाँ पे घरों के प्राइस जो है, मतलब रेंट के प्राइस जो बोल रहा हूँ ये मैं, $3,000-4,000 के आसपास होंगे ये घरों के अंदर। या ये पूरे अपार्टमेंट्स है जो आप लोग को दिख रहे हैं, कुछ कुछ कंपनी के यूनिट्स भी है बट ज़्यादातर अपार्टमेंट्स भी है यहाँ। जल्दी आने के ना काफ़ी सारे फायदे होते हैं गाइस, ज़रूरत नहीं थी 6:30 बजे निकलने की, अभी हो रहे 7:45, मेरा अपॉइंटमेंट 9 बजे का है एंड 1 घंटा 15 मिनट है मेरे पास। सो अभी देखेंगे, यहाँ पे बहुत कुछ है देखने लायक। सो आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं जो भी दिखा सके। टिम हॉर्टन्स जाएंगे थोड़ा खाने पीने के लिए, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ गाइस। टिम हॉर्टन्स में मैंने अंदर देखा था, ड्राइव थ्रू देखा था, अभी ये वॉकअप में पहली बार देख रहा हूँ। मतलब आपको अंदर नहीं जाना है, बाहर से ही लेना है, तो वो लोग के लिए अलग से सेक्शन बना रखा है खड़े खड़े। खैर छोटा सा टिम हॉर्टन्स है यहाँ पे। टिम हॉर्टन्स में गाइस 10 बंदे लाइन में खड़े थे, सारे के सारे इंडियंस जो काम कर रहे थे, ठीक है, जो लेने आए थे वो नहीं। सो यहाँ पे वो बंदा जो काम कर रहा था मेरे को पूछता है कि मेरे को फ्रेंच आती है, 6 साल मैंने फ्रेंच पढ़ी और मैं क्यूबेक जाऊँ। मैं बोलता हूँ दौड़ जा भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। बिकॉज क्यूबेक में अगर आपको फ्रेंच आती है तो मैं तो पहले क्यूबेक ही कहूँ यार, यहाँ पे कभी भी मत आना। एंड ये जो है ये अपना मैंने बनाया था ना वेज आलू टिक्की टिम हॉर्टन्स, ये वही है। सो अगर आपने देखा नहीं है तो मिस्टर पटेल तो ज़रूर जाके चेक कर लेना। ए बिल्डिंग देखो खाली, बस रुकने का नाम ही नहीं ले रही है इधर, सारी ही उस लेवल की बिल्डिंग है, लंबी लंबी। एंड इट्स गुड प्लेस यार, अच्छी वाइब बहुत अच्छी है यहाँ की। ये देखो पीछे लाइन दिख रही है, ठीक है, सारे इंडियन ही है अपने, ठीक है। यहाँ ऐसी जगह पर अपने इंडियन ही दिखेंगे आपको, और कोई नहीं दिखेगा। सो बेसिकली क्या है कि बैग लेके आया था मैं और सेलफोन था, तो ये दोनों अंदर अलाउड नहीं है। यहाँ पे एक लॉकर है, टिम हॉर्टन्स के बाजू में ही लॉकर है, तो वहाँ पे जाके रखेंगे और डॉक्यूमेंट्स लेके अंदर जाएंगे। फिर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा गाइस, बिकॉज सारा कुछ सामान यहाँ रख देता हूँ। एक बार वो कंप्लीट हो जाता है फिर आपको आके दिखाता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे मेरे से एंड कैसा रहा हमारा इंटरव्यू। सो सारा कुछ बाद में बात करते हैं, सो इंटरव्यू के बाद मिलते हैं, चलो बाय बाय। ये दिख रहा है लॉकर, स्टोरेज लॉकर, पासपोर्ट, वीज़ा, फोटो, सारा कुछ। तो ये टिम हॉर्टन्स के बाजू में ही है एंड अपना एम्बेसी वहीं पे, 5 मिनट का डिस्टेंस है वहाँ से यहाँ। सो इनकेस अगर आपका कोई दोस्त नहीं है ऐसा कुछ है तो गाइज यहाँ पे लॉकर में अपना बैग वैग रख सकते हो, बिकॉज अंदर अलाउड नहीं है ये सब। ओके गाइज, सो वीज़ा हो चुका है अपना, पासपोर्ट ले लिया है मेरा। सो बेसिकली मुझसे क्या क्या पूछा है बताता हूँ। तो पहला पर्पज़ था कि क्यों जाना है आप लोग, तो मैंने उनको बोला बस भाई 31st मैंने लास्ट ईयर मैं विंडसर में था और डेट्रॉइट में मैंने 31st देखी थी, सो बहुत अच्छी थी, तो मैं मेन 31st के लिए जाना चाहता हूँ। दैन दूसरा रीज़न कहा था कि मेरा कज़न रहता है वहाँ पे, सो उसको मिलूँगा मैं जाके, क्योंकि 5-6 ईयर्स से मैंने उसको मिला नहीं है। सो दैट्स इट, मैंने शायद उसने सेकंड रीज़न मेरा पूरा सुना भी नहीं और मेरा पासपोर्ट ले लिया था उसने, दैट्स इट, इतना ही था। बाकी का डॉक्यूमेंट्स कौन से होते, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको खिंचाना पड़ेगा और इंडिया से जो लेके आया वो नहीं चलता है। यहाँ पे आप लोग को कोई भी शॉप में जाना है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचाना है, बिकॉज वो 2x2 इंच का होता है एंड वो अलग होता है, बेसिकली डायमेंशन काफ़ी अलग होते हैं उसके एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडिया में जो खिंचाते हो। नंबर 2, DS का कन्फर्मेशन पेज, नॉट DS फॉर्म, ठीक है। DS फॉर्म पे तो लिखा होगा कि डू नॉट ब्रिंग दिस टू योर इंटरव्यू,
बट अपने को डी एस कन्फर्मेशन पेज लेके जाना है जिसके ऊपर बार कोड और ये सब होता है, ठीक है। सो ये हो गया, उसके बाद अपने को लेके जाना है अपना पासपोर्ट, उसके बाद अपना आप जो भी स्टेटस पे हो, मैं वर्क परमिट पे था तो वर्क परमिट लेके गया था, आप स्टडी परमिट पे हो तो स्टडी परमिट लेके जाओ। एंड उसके अलावा मेरे से वो लोगों ने जॉब का पूछा था कि आप कहाँ पे काम करते हो एंड आपका पे कितना है, आप कौन से पोजीशन में काम करते हो, कौन सी कंपनी में काम करते हो, ये सारा कुछ उसने बेसिकली जस्ट पूछा था मेरे से। सो दैट्स इट गाइस, इतना ही मेरे से पूछा था। और मेरे आगे जो बंदा गया था उससे भी सेम ही पूछा, बट उसको वीज़ा नहीं दिया, वो मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज उसने पासपोर्ट वापस दे दिया था बेसिकली। सो आई थिंक वो कुछ गलत बोल गया था, सुना नहीं मैंने क्या बोला था, बट पासपोर्ट वापस मिल गया था इतना मैंने देखा वहाँ पे। सो इस तरीके का है। एंड अभी आप देख सकते हो US एम्बेसी इसके पीछे ही है, ठीक है, पीछे के साइड पे एम्बेसी है। एंड लाइन में आप लोग को बाहर खड़ना होता है, बैग वैग का जैसे मैंने आप लोग को बताया $10 पे करे थे मैंने इसके इसको रखने के, बाजू में एक चाइनीज शॉप था वहाँ पे $10 पे करके रख के आया था मैं। और एक और चीज़ गाइस कि प्रीमियम सर्विस मैंने लिया है, अब वो प्रीमियम सर्विस मैंने क्यों लिया है ये आप लोग को बताता हूँ। सो नंबर वन रीज़न है कि मेरा जो पासपोर्ट था ना उसके ऊपर वीज़ा सारा कुछ अपना विंडसर का था, और जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी विंडसर की थी। सो मेरे को यहाँ पे एक बार वीज़ा मिल जाएगा ना तो मेरे वो विंडसर ही वापस जाएगा, तो मैंने उसको बोला मैं विंडसर में रहता नहीं हूँ, मैं इटोपी को मूव हो गया हूँ। सो बोलती है कि फिर आपको एक लिंक देती हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोग को, वो लिंक में जाके आप लोग प्रीमियम सर्विस ले सकते हो एंड अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो। $23 होते हैं प्रीमियम सर्विस के। सो एक बार आपका प्रीमियम सर्विस हो जाता है, डायरेक्टली आप जो भी एड्रेस देते हो वो एड्रेस पर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। सो दैट्स इट, एंड उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाकी का जो मैसेज वैसेज आएगा वो आपको आपके नंबर पे आ जाएगा, जो भी नंबर आप लोग वहाँ पे लिखते हो। सो ये था अपना US वीज़ा का प्रोसेस, बहुत ही सिंपल है गाइस, कुछ खास है नहीं। बट अभी आप लोगों को मैं मिसिसागा का टूर दूंगा और टोरंटो डाउनटाउन का भी टूर दूंगा, बिकॉज मैं यहीं पे हूँ तो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आई थिंक IELTS का टेस्ट सेंटर है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ग्रेस्टोन कॉलेज, यहाँ पे टेस्ट सेंटर भी होगा और भी सारी चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि लैंग्वेज स्कूल है। सो इस तरीके का ही कुछ होगा, बाकी बड़ा हैपनिंग है गाइस, बड़ा मतलब हलचल मचा हुआ रहता है। देखोगे ना यहाँ पे आते रहते हैं लोग, जाते रहते हैं। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है गाइज यहाँ पे, मैं TTC में नीचे सबवे से आया, अभी मेरे को बोल रहा है गो बस है यहाँ पे, वो गो बस आप लोग को मिसिसागा लेके जाती है। सो वैसे है काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोग के पास, गो बस है, फिर भी और भी बहुत सारे ऑप्शन है। सो थोड़ा बहुत इंसान कन्फ्यूज हो जाएगा अगर पहली बार आ रहा है, बिकॉज मैं भी फर्स्ट टाइम हूँ, तो मेरे को लोगों से पूछना पड़ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और जल्दी जल्दी कैसे पहुँचूँगा। सो अभी मैं हूँ यहाँ पे फिंच पे, ठीक है, जो हमारे इटोपिको से काफ़ी दूर है, ये देख लो भाई। अभी ये मत पूछना यहाँ कौन सी कॉलेज है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ, ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ क्या है क्या नहीं। सो चलते हैं वहाँ पे नीचे, अपने को जाना है, आप लोग को दिखाता हूँ। देखो वहाँ पे दिख रहा है गो फिंच, अब यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे और ये गो से हम लोग ट्रैवल करेंगे, अभी आगे का जर्नी वहाँ से होगा। ओके गाइस, सो मैं मिसिसागा आ गया हूँ और मुझे आई थिंक वो या वो ये तीनों में से एक बिल्डिंग में जाना है एक स्पेशल पर्सन को मिलने के लिए, जैसे मैंने कहा था आपको, दैट इज़ व्हाई मैं मिसिसागा आया हूँ। और वहाँ पे आप लोगों को गो बस दिख रही होगी, बस आती हुई दिख रही होगी, ये वाली, ये गो बस है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ था कि मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये वाली बस में बैठना है या नॉर्मल TTC में बैठना है। अब TTC क्या होता है कि वो अंदर ही अंदर चलते रहता है, गो बस आप लोगों को इटोबिको से, टोरंटो से लेके मिसिसागा, ब्रैम्पटन, हर जगह पे लेके जाता है, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था तो मुझे लगा मैं मेट्रो में बैठ जाता हूँ, मेट्रो से डायरेक्टली यहाँ पे आ जाऊँगा, बट यहाँ पे मेट्रो सर्विसेज यहाँ तक नहीं आती, यहाँ पे आप लोगों को गो बस में आना पड़ेगा। सो इसमें किस तरीके का रहता है, एक बार टैप करना होता है जब चढ़े गए तब, और जब निकलोगे तब एक और बार टैप करना पड़ेगा, मतलब मेरे $7 कटे हैं। एक बार $3.5 होता है एंड सेकेंड टाइम भी $3.5 होता है, मतलब टोटल $7 के आसपास मेरे पैसे कटे हैं वहाँ से आने में, और मुझे टाइम लगा है 1 घंटा 15 मिनट। सो इस तरीके का कुछ होता है, इट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है, बिकॉज $7 ये 1 घंटे के लिए मुझे नहीं समझ आया कुछ इसका क्या हिसाब है, बट खैर वो आपको काफ़ी हद तक दूर लेके आया है। एंड शाम में भी मैं इसी में वापस घर जाऊंगा, बिकॉज यहीं पे गो बस जाती है यहाँ से इटोबिको। सो डायरेक्ट नहीं होती है ये, आप लोग को एक स्टेशन पे लेके जाती है, वहाँ से फिर बैठ के आप लोग को आपके घर पे जाना होता है। एंड प्रेस्टो कार्ड जो है ना ये हर जगह पे एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये वाला जो कार्ड है ये गो बस में भी चलता है, TTC में भी चलता है, नॉर्मल बस में भी चलेगा, मेट्रो में भी चलेगा, हर जगह चलेगा, ठीक है। सो इस वाले कार्ड के ऊपर आप लोग रिचार्ज कर देना, जो भी कराना है शॉपर्स ड्रग मार्ट में जाके ये कार्ड के बारे में पूछ सकते हो, तो ये कार्ड आपको वहीं मिलेगा और बैलेंस भी वहीं पे करा सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके का सीन रहता है। अभी थोड़ा मैं आप लोगों के साथ इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज टोरंटो में क्या था गाइस, मैं थोड़ी जल्दी में यहाँ पे आने वाला था, सो इसलिए ज़्यादा बात हो नहीं पाई आप लोगों से, 12:30 हो रहे हैं और मुझे सर को मिलने के लिए अभी
एक घंटे डेढ़ घंटे के अंदर जाना था। मैं बोला जल्दी आ जाता हूँ बिकॉज रूट भी पता नहीं है, यहाँ वहाँ चले गया तो उनका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। सो देखो इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पहली बात, आपका प्रोफाइल अगर क्लियर है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हो रखा है कैनेडा का या इंडिया में भी कहीं और आप ट्रैवल करने गए थे वहाँ का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वो इंक्वायरी करते क्यों रिफ्यूज़ हुआ था, क्या रीज़न था, ये सारा कुछ। बट अगर कभी रिफ्यूज़ नहीं हुआ है, वीज़ाज आपके नॉर्मली लगे हैं, आपने पढ़ाई करी है, इफ़ यू हैव अ जॉब, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। मेरे पास जॉब थी तो वो लोगों ने मेरे को जब जॉब के बारे में पूछा तो मैंने अपना ऑफर लेटर दिखा दिया। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है गाइस, बिकॉज उनको क्या लगता है ना जो इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं कि यार इसका रिश्तेदार वहाँ पर रहता है तो ये भी यूएस में जाके सेटल होने का ही सोच रहा होगा, उनका दिमाग इस तरीके का आता है, बिकॉज जॉब यहाँ पे तो है नहीं उसके पास, तो वहाँ जाके यूएस में उसको कुछ करना होगा, सो ऐसा सोचता है। बट अगर आपके पास जॉब है तो उनको लगता है नहीं ठीक है यहाँ पे कमा रहा है वो तो वहाँ पे घूमने ही जा रहा होगा। सो इस तरीके का सीन होता है जब भी आप लोग यूएस वीज़ा कराने जाते हो। नॉर्मल है गाइस, इतना कुछ नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया, पासपोर्ट DS-160 का जो कन्फर्मेशन पेज होता है जिसमें बारकोड होता है, फिर पासपोर्ट साइज़ यूएस फोटोज, यूएस वाले 2x2 इंच वाले जो फोटोज होते हैं वो लेके जाना, और ये सब लेके जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं तो इनफैक्ट सारे डॉक्यूमेंट लेके आया था, जो भी कनाडा लेने आया था ना मैं, वो सारे मेरे बैग में एक फाइल में थे तो मैं सारे लेके आ गया, जो भी पूछे वो मैं उनको दे सकता हूँ। सो इस तरीके से है। एंड एक और लेटर होता है जो आप लोगों को मेल में आया होगा, जब आप लोग को एंड में जब आप आ रहे होंगे ना तो कुछ टाइम पहले आपको वो मेल में लेटर आएगा, तो उसका भी प्रिंट आउट निकालना। वो लेटर का प्रिंट आउट मेरे को $3 का पड़ा है खाली, बिकॉज मेरे को पता नहीं था तो यहाँ पे आके मेरे को अर्जेंटली निकालना पड़ा। वो लोगों ने पूछा नहीं अंदर मेरे से, बट सेफ पर्पसेस के लिए मैंने निकाल लिया था। सो इस तरीके का सीन होता है। बाकी मेरा वीज़ा मेरे को 25 सेकंड में मिला है, ठीक है 25 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिया, उससे कम टाइम में ही हो गया था कामकाज। सो इस तरीके का सीन है गाइस। अब ये जो एरिया है गाइस ये पूरा कॉरपोरेट एरिया लग रहा है मुझे, बिकॉज कैनेडियन वेस्ट बैंक यहाँ पे है, स्काई मार्कडेल है, हिल्टन है। सो और सामने मैंने जैसे आपको दिखाया वो भी पूरे कॉरपोरेट के ऑफिस ही है। सो और एक वॉलमार्ट मेरे को वहाँ नज़र आ रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो आइए एक मिनट रुक जाओ, दिखाओ वो ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, हाँ वो वॉलमार्ट है। तो वॉलमार्ट में जाएंगे अभी, ऐसे ही खाली जाएंगे थोड़ी देर के लिए और फिर हम चलते हैं। शूज़ कैसे ज़रूर बताना गाइस, ये कुछ अराउंड गैस के है एंड ये मैंने देखो ना $125 के है ये, मुझे तो अच्छे लगे थे, वाइट कलर। आई अंडरस्टैंड कि वाइट ख़राब हो जाता है बट खैर जो भी है अच्छा लग रहा है तो लिए थे। बाकी का ये वीडियो भी बना रहा हूँ मैं, इसके साथ साथ दूसरी वीडियो भी बन रही है, सो दो वीडियो एक ही टाइम पे बन रही है। इसके पार्ट में मैं दूसरी वीडियो को थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे दूंगा, आपको पूरा क्लियर आउट नहीं दूंगा पर थोड़ा बहुत ग्लिम्स आप लोग को मिल जाएगा कि मेरी नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो क्या होने वाली है, वो नहीं कहूँगा बट कहाँ पर होगी वो आप समझ जाओगे, बिकॉज मैं अभी मिसिसागा में हूँ जैसे मैंने आप लोग को कहा, एंड एक जगह पर पार्क में बैठा हूँ, बिकॉज अभी टाइम हुआ नहीं है, एक बार टाइम होगा फिर हम लोग चलते हैं एंड आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। वीडियो बन चुकी है गाइस एंड अभी वीडियो बना के मैं घर जा रहा हूँ। सो आज छुट्टी ली थी मैंने ऑफिस से, पूरा दिन मेरा पैक हो गया, अभी हो रहे अराउंड 6:30, घर पहुँचते मेरे को 6:45 हो जाएगा एंड सुबह 5:30 का निकला हुआ था मैं, ठीक है। सो आपने देखा मैंने पूरे दिन क्या किया, यूएस वीज़ा लिया एंड देन जो भी काम करने थे वो सारे काम ख़त्म किए। सो इस तरीके का दिन होता है मेरा जब मैं काम नहीं करता हूँ, और जब काम कर रहा होता तो 8 घंटे की जॉब होती है, उसके अलावा मैं और चीज़ें कर रहा होता हूँ, बिकॉज दूसरी चैनल भी है तो उससे भी रिलेटेड कंटेंट डालना पड़ता है, वो भी चल रहा है। सो ये सारा कामकाज है मेरा डे का। कैसा लगा डू लेट मी नो एंड आई आशा करता हूँ आप लोग को शायद यूजफुल लगा हो जो मैंने बोला है। और एक और चीज़, बस में क्या है ना यहाँ पे टोरंटो की बसेस में मेरे को ना एक बहुत बड़ा लाइक क्या है कि मेरी गलती है, मुझे तो पता नहीं किस तरीके से चलता है। सो गेट पे आपको हाथ रखना होता है जब बस रुकती है ना, तो यू हैव टू प्रेस कीप योर हैंड ऑन द गेट एंड थोड़ा प्रेस करना पड़ता है। सो पिछले 2-3 बार से मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ तो गेट नहीं खुल रहा है, लाइक बस इज़ गोइंग ऑन द स्टॉप, रुक जा रही है वहाँ पे और गेट खुलता नहीं है, बस चली जाती है और मैं खड़ा रहता हूँ। ऐसा एक बार हो रखा है, उतरते उतरते लाइक मैंने प्रेस किया स्टॉप का, वो वायर खींचना होता है वो तो मैं करा बट गेट के ऊपर प्रेस करना होता है। सो ये एक चीज़ थी जो बतानी थी, अगर आप लोग टोरंटो आ रहे हो तो मेक श्योर आप लोग उतरने के टाइम पे गेट के ऊपर हाथ रख के उसको प्रेस करो तो गेट खुलता है, वरना नहीं खुलता है। यहाँ पे विंडसर में ऐसा काम